हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती करवाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है 12,000 पदों पर। युवाओं का इंतजार था सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, लंबे टाइम से अशोक गहलोत की सरकार में ये वैकेंसी आई थी RPSC की, और फिर हमने भजनलाल शर्मा की सरकार जैसे ही बनी थी हमें लगा था कि वैकेंसी आएगी टीचर्स की, लेकिन नहीं आई विधानसभा के चुनाव के बाद में, फिर लोकसभा के चुनाव के बाद में। लेकिन फ्रेंड्स, अब जैसे ही लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट आ चुका है लोकसभा का चुनाव का, अब कोई प्रोसेस बाकी है नहीं। RPSC पर चर्चा विमर्श हमारे शिक्षा मंत्री लगातार कर रहे हैं, और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन रहने वाली है, क्या सब्जेक्ट है और कितनी पोस्टों पर यह वैकेंसी आई है, कितनी एग्जाम होगी, एक बार हम पैटर्न पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पेपर होगा राजस्थान सेकंड ग्रेड में एग्जाम से संबंधित हम बात कर लेते हैं एक बार। पहला पेपर होगा 200 नंबरों का होगा, परीक्षा में 2 घंटे दिए जाएंगे, विभिन्न विषयों के 100% का पेपर बनाया जाएगा। यानी जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं फ्रेंड्स, और उसमें विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, और पर्सन खाली छोड़ने और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंकों का नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग है फर्स्ट पेपर में, और इसमें जैसे राजस्थान के क्वेश्चन आ जाएंगे हैं, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के आ जाएंगे, विश्व भूगोल, भारत की भूगोल, इतिहास से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित, यानी अलग अलग विषयों के कुछ ना कुछ पर्सन इसमें आएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होगा, 2 घंटे इसमें दिए जाएंगे, कुल अंक इसमें 200 होगा। और इसमें परसेंट भी बताया जा रहा है कि इसमें 35% SC ST वाले और 40% जनरल कैटेगरी को लाना होता है, तभी उसका जो सेकंड पेपर होता है उसकी जांच की जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर सेकंड ग्रेड ग्रुप में एड नहीं हुए हो अभी तक, तो 80 58 85 13 75 व्हाट्सएप नंबर है, जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकता है, जिससे हम आपको इस ग्रुप में एड कर देंगे। फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स चलते हैं और इसके बारे में और देख लेते हैं। इस बार RPSC ने इस बार परीक्षा में पर्सन खाली छोड़ने के लिए 5वां विकल्प ई लागू किया है। यानी पहले 4 ऑप्शन आते थे और 4 में से 1 ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें 5वां विकल्प दिया गया है और विकल्प ई दिया गया है, और उसमें आपको कहा गया है कि आपको जो भी पर्सन नहीं करने हैं फिर भी ई गोले पर आपको भरना होगा। सभी परीक्षार्थियों को पर्सन खाली छोड़ने के लिए 5वां विकल्प भरना होगा। परीक्षा में अगर 10% से अधिक पर्सन खाली छोड़ने पर परीक्षार्थियों को अयोग्य करार कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने 10% से ज़्यादा अगर पर्सन खाली छोड़ दिया है, ई आपने नहीं भरा है, तो आपको वहाँ पर अयोग्य करार दे दिया जाएगा, आपका पेपर भी वहाँ पर देखा नहीं जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ई जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन को आपको भरना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट्सएप नंबर है, जो भी शामिल होना चाहता है हो सकता है। अब देख लेते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर कुल अंकों का 300 अंकों का ये पेपर होगा। गलत उत्तर करने और पर्सन खाली छोड़ने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। विभिन्न विषयों के 150% इस पेपर में आएंगे। फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट का जो पेपर रहने वाला है ये, तो और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटिव पर्सन आपके आएंगे। फ्रेंड्स, अब चलो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन से संबंधित हम एक बार बात कर लेते हैं। RPSC द्वारा राजस्थान सेकंड ग्रेड नई भर्ती के लिए 16,000 रिक्त पद पर अधिसूचना जारी की गई थी। यानी पद तो इसमें 16,000 रिक्त बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स, और जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत सहित विभिन्न विषयों के लिए वरिष्ठ शिक्षक के पद निर्धारित किए गए हैं। 16,000 पद इसमें रिक्त है, लेकिन 12,000 पदों पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है शामिल हो सकता है, और जो सेकंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहा है वो तैयारी में लग जाओ। फ्रेंड्स, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।